नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काईटेक न्यूज के अंदर। दोस्तों, आपके लिए हम हमेशा नई नई स्ट्रेटेजी, नए नए इंडिकेटर्स हमेशा लाते रहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो बेहतरीन इंडिकेटर के बारे में जानने वाले। दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, बहुत ही कमाल के इंडिकेटर ये आपके लिए हो सकते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग में काफी फायदेमंद हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिल्कुल शुरू करते। सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे जैसे ही आते हैं, आपको सबसे पहला वाला जो इंडिकेटर है आपको यहाँ पे डालना है, आरएसआई। आरएसआई आप जानते हैं दोस्तों, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे मैंने वो ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं आरएसआई। इसकी सेटिंग जान लिए दोस्तों, वीडियो इसलिए पूरा देखे ये कह रहा हूँ कि जो सेटिंग से ये आप अगर मिस कर देते हैं तो आपके ट्रेड गलत जा सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखे, जो आपको वीडियो समझ में आए और आप उसके हिसाब से फिर इसे बैक टेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो स्टाइल है, इसके अंदर आप आते हैं तो मिडिल लाइन जो है आपको 50 की रखना है, पर बैंड 70 का और 30 का ये तो रहेगा। मिडिल बैंड 50 का आपका यहाँ पे कर देना है और उसे थिकनेस बढ़ा देना है लाइन की, तो आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो जैसे आर एस आई हमने प्लॉट कर लिया, आप देख सकते हैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हम टाइम टाइप करेंगे लीनियर लीनियर रिग्रेशन। सॉरी, आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये कैंडल्स जो है यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है। सिंपली दोस्तों हमने इसे प्लॉट कर दिया। इसके सेटिंग्स में जाना है हमें, सेटिंग्स इसके चेंज करनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट्स में हम जाएंगे, यहाँ पे सिग्नल स्मूथिंग जो दिख रहा है अभी यहाँ पे 11 का है, हम इसे जो है दोस्तों यहाँ पे 7 कर देंगे। जैसे हम 7 कर देते हैं इसे, बाकी कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं करना है, यहाँ पे हमने इसे 7 कर दिया। और इसके अंदर एक आपको स्टाइल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे प्लॉट वाला जो लाइन दिखेगा यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे आप इसे चाहे तो ब्लैक या चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लीजिए और बाकी इसे आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेटर पूरी तरह प्लॉट हो चुका है, हमने इसकी सेटिंग भी कर ली है। फिर से हमें इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे यूटी बॉट अलर्ट्स। ये यूटी बॉट वाला नहीं लेना है, सेकेंड वाला जो यूटी बॉट अलर्ट है इसे हम क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बाय और सेल वाले सिग्नल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जिससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए इसके हमें सेटिंग में चेंज करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज की मार्केट है 19 अप्रैल 2023 की। हम यहाँ पे यूटी बॉट अलर्ट के सेटिंग सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे इनपुट्स में हम जाएंगे। जैसे आप इनपुट्स में जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे की वैल्यू जो इसकी 20 चेंजेस द सेंसिटिविटी, आपको इसको जो है यहाँ पे 2 कर देना है। और जो एटीआर पीरियड जो है इसका अभी 10 का यहाँ पे दिया गया है डिफॉल्ट, हम इसे 1 कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में चेंज करने के बाद जो बहुत सारे फेक सिग्नल्स थे यहाँ पे ऑलरेडी वो रिमूव हो चुके हैं और यहाँ पे क्लियर हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है। भी आपको यहाँ पे थोड़ा चार्ट पे नॉइस दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखेंगे हमें कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाके इस वाले सेक्शन को हाइड कर देना है। आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल हमारा इंडिकेटर तैयार है और सही सिग्नल हमें दिखाई दे रहे हैं और जो ट्रेंड भी है यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली दोस्तों हमारा पूरा सेटअप रेडी है। अभी इसके अंदर हमें ट्रेड कैसे लेना है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक सेल वाली सिग्नल मिली, जो यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला है। आप देख सकते हैं इस वाली जगह इस कैंडल के लो के नीचे हम अगर सेल करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों यहाँ पे रिसेंट स्विंग हाई का रहेगा, या आप चाहे अपनी मर्जी से जिस कैंडल पे हमें सेल सिग्नल मिला है उसके कुछ पॉइंट ऊपर आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला, बाय सिग्नल। दोस्तों सबसे मेन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाय सिग्नल हमें मिला। आपको आरएसआई इसलिए हमने प्लॉट किया है, आप देख सकते हैं आरएसआई जब भी 50, ये मिडल लाइन जो है 50 की लाइन है दोस्तों, इसके ऊपर आरएसआई होगा
और आप देख सकते हैं यार ऐसा 50 के ऊपर है यहाँ पे, और हमें बाय सिग्नल मिला, ये डबल कंफर्मेशन है दोस्तों। और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर पर अगर आप एंट्री करते तो आप देख सकते हैं मार्केट में हमें एक रैली देखने को मिली। पीछे जाके इसके बैक टेस्ट वाले सिग्नल्स देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे अगर हम इस जगह भी देखेंगे, हमें यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, RSI ने भी हमें कंफर्मेशन दिया, RSI 50 के ऊपर था, इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे। मार्केट में हमें यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं दिया। आप मिनिमम 1:2 का अगर टारगेट रखते, ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो आप इजीली आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, इस कैंडल के लो के नीचे हमने सेल किया, यहाँ पे भी आपका टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों सिंपली बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। हमने इसे बैंक निफ्टी पे देख रहे हैं कुछ, और पीछे जाके भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें बाय सिग्नल मिला, मार्केट में हमें रैली मिली। आप चाहे तो इस वाले सिग्नल पे एग्जिट भी कर सकते हैं, आप लगभग कुछ ना कुछ पॉइंट प्रॉफिट में रहते थे, या आप गलत दिशा में ट्रेड नहीं करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बाय सिग्नल मिला, मार्केट में हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। हम इसे निफ्टी पे भी देख लेते हैं दोस्तों। आज का ही दिन का निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, आज का ही दिन ये 18 अप्रैल का, आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिला। इस कैंडल पे हम अगर पुट बाय करते तो आप देख सकते हैं हमें मार्केट अभी भी नीचे के साइड में हमें लगभग निफ्टी में 50 पॉइंट यहाँ पे मिल जाते। यहाँ पे भी सेल सिग्नल मिला था, यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे बाय अगर करते आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल जाते। यहाँ पे अगर आप सेल करते या पुट ऑप्शन बाय करते आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिलती। कोई भी इंडिकेटर दोस्तों 100% वर्क करेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है। आपको इसे पेपर वर्क बैक टेस्ट करना चाहिए, और रूल्स हमेशा इसके याद रखना दोस्तों कि आप इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सेल सिग्नल मिला था, यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं हुई दोस्तों, RSI हमारा 50 के ऊपर था तो ये फॉल सिग्नल था। आपको ध्यान में रखना है जब भी सेल सिग्नल मिलता है, आप देख सकते हैं ये सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे RSI 50 के नीचे गए, आप नीचे के साइड में देख सकते हैं ये वैलिड सिग्नल था। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, RSI 50 के ऊपर है तो ही हम इस ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो इतना ध्यान में रखें, RSI आप जरूर चेक करें, RSI और सिग्नल दोनों। अगर सेल सिग्नल है RSI 50 के नीचे, आप देख सकते हैं मार्केट में काफी अच्छी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, जब भी RSI 50 के ऊपर जाएगा बाय सिग्नल के बाद में इस कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री सही रहेगी और हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों इसे कितना भी पीछे जाके टेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और इसके बाद ही आप इसके साथ में ट्रेड लेने का सोचना। तो बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद। जय हिंद।